दोस्तों फिनलैंड दे रहा है 3 से 5 सालों तक का वर्क वीजा। आपको मिल सकता है ये वीजा बिना एजुकेशन बिना एक्सपीरियंस के। जी हाँ दोस्तों, बहुत कम रुपए खर्च करके जो है आपको फिनलैंड का वीजा मिल सकता है। इस वक्त सक्सेस रेट भी जो है बहुत ही अच्छा है दोस्तों, कोई भी वीजा रिजेक्ट नहीं किए जा रहे हैं। अभी आपके पास मौका है कि आप फिनलैंड की लेबर शॉर्टेज का फायदा उठाएं और अलग अलग जॉब्स के लिए अप्लाई करके फिनलैंड का वर्क वीजा ले जाए। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है एक ऐसी एजेंसी के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपको मदद कर सकता है दोस्तों फिनलैंड का वीजा पाने में। जी हां दोस्तों, फिनलैंड की 7 बड़ी इमिग्रेशन एजेंसीज में से एक एजेंसी है ये, और इसी एजेंसी की वेबसाइट पे आपको ले जाकर के दिखाऊंगा। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर मैं आपको इस एजेंसी के बारे में बता रहा हूं तो आपको इस एजेंसी की सर्विसेज लेनी ही लेनी है। अगर आपको मैं किसी एजेंसी की वेबसाइट पे लेके जाता हूं तो आप उसका दूसरी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। मैं बताता हूं दोस्तों कैसे। अगर आप किसी एजेंसी की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पर ऐसी जॉब्स पोस्ट की जाती हैं जो कि ज्यादातर जो है फॉरेन वर्कर्स के लिए होती हैं। आप वहां जाइए, वहां जॉब सर्च कीजिए और आप वहां जाकर के जॉब्स के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो फिर तो आपको एजेंसी रिप्लाई करती है। अगर आप जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं करते हैं उस एजेंसी की वेबसाइट से तो आप जो है वहां से कंपनी के बारे में जान सकते हैं कि किस कंपनी ने ये जॉब पोस्ट की है। फिर जो है गूगल पर जाकर कंपनी के बारे में सर्च कीजिए और कंपनी की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कीजिए। दोस्तों देख रहे हो, मतलब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है कि एजेंसी की वेबसाइट से कंपनी ढूंढनी पड़ेगी और फिर जाकर के दोस्तों डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट पर अप्लाई करना होगा। अगर आप इतना सब कुछ कर सकते हैं दोस्तों तो मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूं कि आपके चांसेस बहुत अच्छी तरीके से बढ़ जाने वाले हैं और आपको भी बहुत आसानी से वर्क वीजा मिल सकता है बिना किसी एजेंसी की हेल्प के। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ एजेंसी को जो है पहुंचने के लिए मत इस्तेमाल कीजिए, पैसे नहीं है तो आप एजेंसी को एक जॉब सर्चिंग वेबसाइट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जॉब सर्च कीजिए वहां पर और फिर कंपनी की वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई कीजिए। आज की इस वीडियो में जिस एजेंसी के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों, वन ऑफ द बेस्ट एजेंसीज है फिनलैंड की, करीब 50 सालों से जो है फिनलैंड में काम कर रही है और बहुत सारे लोगों को जो है अभी तक सर्विसेज प्रोवाइड कर चुकी है। इस एजेंसी की मदद लेने के 2 तरीके हैं दोस्तों। एजेंसी की वेबसाइट पर जाइए, इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल सर्च करिए और डायरेक्ट इन्हें कॉन्टैक्ट कीजिए, या फिर दोस्तों इनके अंडर जो भी जॉब्स अवेलेबल है उन जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए ताकि एजेंसी आपको रिवर्ट बैक करे कि आप उन जॉब्स के लिए सुटेबल है कि नहीं है, आपके एप्लीकेशन के साथ वो आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते हैं। ये 2 तरीके होते हैं दोस्तों एजेंसी को कॉन्टैक्ट करने के। साथ ही अगर आप इस एजेंसी को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं या फिर किसी एम्प्लॉयर को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं फिनलैंड में, तो आपको एक फिनलैंड फॉर्मेट की सीवी और कवर लेटर की जरूरत पड़ने वाली है। दोस्तों जल्दी से वो सीवी कवर लेटर बना लीजिए ताकि आपको भी जल्द से जल्द रिस्पॉन्स आना चालू हो जाए। अभी मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं दोस्तों, अभी मैं आपको डायरेक्ट इस एजेंसी की वेबसाइट पर लेकर चलता हूं और आपको बताता हूं पूरा का पूरा तरीका कि कैसे आप एजेंसी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में जिस एजेंसी की बात हम कर रहे हैं उस एजेंसी का नाम है स्टाफ पॉइंट। अगर आप इस एजेंसी की वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो गूगल पर जाइए और स्टाफ पॉइंट सर्च कीजिए। स्टाफ पॉइंट के आगे FI लगाना मत भूलिएगा दोस्तों, FI जो है फिनलैंड का एक्सटेंशन है। तो जैसे ही आप FI लगाते हैं तो आपके सामने जो है फिनलैंड की वेबसाइट्स अवेलेबल हो जाती हैं। यहाँ पर स्टाफ पॉइंट FI सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं पहले नंबर पर ही स्टाफ पॉइंट की वेबसाइट ओपन हो चुकी है और उसके बाद नीचे भी रिजल्ट्स में स्टाफ पॉइंट से रिलेटेड कुछ लिंक्स आ चुकी हैं दोस्तों। लेकिन हमें जो है सबसे पहले नंबर वाले लिंक पे ही ओपन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सीजन वर्क इन फिनलैंड वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ अभी मैंने जो है मैंने पहली वेबसाइट ओपन कर ली है दोस्तों। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है आर यू लुकिंग फॉर अ न्यू करियर पाथ, यानी कि अगर आप फिनलैंड में नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आपको जो है सर्च करने का ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों। आप अपने हिसाब की जॉब सर्च कर सकते हैं, आपको वहाँ पर जॉब टाइटल डालना है, कंपनी का नाम डालना है, जो भी आपको पता है वो डाल करके आप सर्च कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर आप इसी होम पेज पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो इस कंपनी से रिलेटेड जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी, कंपनी से रिलेटेड आपको टेस्टिमोनियल्स वगैरह देखने के लिए मिलेंगे। नीचे की तरफ और स्क्रॉल करते जाएंगे तो इनके व्लॉग्स वगैरह और इनके न्यूज़लेटर वगैरह के बारे में आपको जानने के लिए मिलेगा, जो कि हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। सबसे नीचे यहाँ पर आपको जो है 3 ऑफिसेज के नाम देखने के लिए मिलेंगे, स्टाफ पॉइंट, स्प्रिंग हाउस और साइमोसॉफ्ट। तो आप जो है इन ऑफिसर्स के एड्रेस देख सकते हैं यहाँ से और फ़ोन नंबर देख सकते हैं, लेकिन अभी हमें ज़रूरत है सबसे ज़्यादा जॉब्स की। तो हम जो है मेन्यू वाले ऑप्शन में जाएंगे, ऊपर मेन्यू वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर जो है लिंक्स दिए गए हैं, जिन लिंक्स के ज़रिए आप ऐसे सर्विसेज के बारे में जान सकते हैं, इनके ग्रुप के बारे में जान सकते हैं, इनके कॉन्टैक्ट वगैरह के बारे में जान सकते हैं। और जॉब सर्च करना है तो जॉब सर्च एंड करियर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको ओपन जॉब्स का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करने के बाद आप सारी की सारी ओपन जॉब्स के बारे में जान सकते हैं। अभी 312 जॉब्स अवेलेबल है दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट, मेंटेनेंस वर्कर की जॉब अवेलेबल है, गिग क्लीनर की जॉब अवेलेबल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डोमेस्टिक सर्विस वर्कर की जॉब अवेलेबल है, रेस्टोरेंट एम्प्लॉय, क्लीनर, इतनी सारी जॉब्स अवेलेबल है दोस्तों। सीट मेटल प्रोडक्शन की जॉब अवेलेबल है, उसके बाद नीचे वेटर वगैरह की जॉब अवेलेबल है, शेफ की जॉब अवेलेबल है दोस्तों, प्रेजेंटर की जॉब अवेलेबल है, और ऐसी ही बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है। अगर आप बाकी के पेजेस पे जाओगे, नेक्स्ट पेज करते रहोगे दोस्तों, तो यहाँ पर करीब 300 जॉब्स अवेलेबल है। उन सभी जॉब्स के लिए आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं
सकते हो, लेकिन जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना मत भूलिएगा दोस्तों। यहाँ कुक, केयर टेकर, आपको हर टाइप की, हर सेक्टर की जॉब देखने के लिए मिलेगी दोस्तों। हॉस्पिटैलिटी हो, आपको हेल्थ केयर की जॉब देखने के लिए मिलेगी दोस्तों। यहाँ पर आपको आईटी से रिलेटेड जॉब्स देखने के लिए मिलेगी, फिर साथ ही आपको कंस्ट्रक्शन की जॉब्स देखने के लिए मिलेगी, हर टाइप की जॉब्स देखने के लिए मिल जाएगी दोस्तों आपको यहाँ पर। अगर आपको किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको जो है सिंपली या तो अपने जॉब के लिए सर्च कर सकते हो आप, या फिर यहाँ पर जितनी भी जॉब्स अवेलेबल है उनमें से किसी एक जॉब को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सपोज मैं मेंटेनेंस वर्कर के जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मेंटेनेंस वर्कर के जॉब पे मैंने अभी क्लिक कर दिया है। क्लिक करते ही जो है जॉब की सारी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी दोस्तों, जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है वी आर हायरिंग फॉर आवर क्लाइंट्स, तो क्लाइंट लोगों के लिए हायर करती है एजेंसी। आप जो है यहाँ से जानकारी ले सकते हैं कि कौन सी एजेंसी के लिए, सॉरी कौन से क्लाइंट के लिए हायर किया जा रहा है, कौन से एम्प्लॉयर के लिए हायर किया जा रहा है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स वगैरह दी गई है, अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाते हैं तो आपके जो है प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। उसके बाद ये कंपनी क्या क्या ऑफर कर रही है ये भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, साथ ही नीचे जो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस कंपनी की देखने को मिल जाएगी दोस्तों। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस ईमेल आईडी पे जो है आप अपना सीवी और कवर लेटर सेंड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर फ़ोन नंबर भी दिया गया है, तो फ़ोन नंबर तो मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन ईमेल आईडी पे आप अपना सीवी और कवर लेटर सेंड कीजिए। और सब्जेक्ट में ये लिखना मत भूलिएगा कि आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको जॉब के बारे में कहाँ पता चला, ये सारी की सारी जानकारी ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अप्लाई फॉर अ जॉब का ऑप्शन है दोस्तों, उस पर भी क्लिक करके आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी डिटेल्स आपसे पूछी जा रही हैं उन डिटेल्स को भरते हुए आप जो है फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूछा जाएगा वर्क परमिट है या नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप इंडियन हो या फिर फिनलैंड के हो या फिर कहाँ के हो, जो भी हो। यहाँ पर प्लेस ऑफ रेजिडेंस भी आपसे इसीलिए पूछा जाता है दोस्तों कि आप अभी हो कहाँ, तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पर येस और नो जैसे भी है उस हिसाब से आपको जवाब दे देना है कि आपके पास वर्क परमिट है तो येस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। उसके बाद आपको आगे की तरफ बढ़ते हुए सबमिट कर देना है। इसी तरीके से दोस्तों आपको जो है बाकी की जॉब्स के लिए भी अप्लाई करना है, जितनी भी जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल है, वेटर की हो, क्लीनर की हो, कोई भी जॉब अवेलेबल हो दोस्तों, जॉब पे क्लिक कीजिए, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़िए। जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद लगता है कि रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है दोस्तों, या तो ईमेल आईडी पे अपना सीवी और कवर लेटर सेंड कर दीजिए डायरेक्ट बिना किसी झंझट के, कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, या फिर आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म भर के भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। दोनों तरीके आपके पास अवेलेबल हैं, वेट करना छोड़िए, जल्दी से इस वेबसाइट पर आ जाइए और जॉब्स के लिए अप्लाई करना चालू कर दीजिए दोस्तों। देखा दोस्तों कितनी सारी जॉब्स अवेलेबल थी, आप इन सभी जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, डायरेक्ट यहां एजेंसी की वेबसाइट से अप्लाई नहीं करना है तो आप जो है कंपनी की वेबसाइट पर जाकर के भी अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। दोनों तरीके हैं आपके पास अवेलेबल। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको जो है थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत, थोड़ा समय देना पड़ेगा दोस्तों। और अगर आपके पास पैसे हैं, आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हो अपने प्रोसेस को, तो फिर आप एजेंसी की सर्विस ले सकते हो। साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं किसी एजेंसी का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं कोई इमिग्रेशन एजेंट हूं, एडवाइजर हूं। मैं बस आपको जो है इस एजेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन के तौर पे बता रहा हूं दोस्तों कि अगर आप फिनलैंड जाने के लिए कोई एजेंसी खोज रहे हैं तो एक ऐसी एजेंसी भी अवेलेबल है। बस इंफॉर्मेशन के तौर पे बता रहा हूं दोस्तों, आपको लेना है सर्विसेज, नहीं लेना है ये टोटली आपकी रिस्पांसिबिलिटी होने वाली है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।